यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का जो चंडीगढ़ से है। विधानसभा की कार्यवाही का आज चौथा दिन है। आपको बता दें डबल सिटिंग में आज सत्र चलेगा। देर शाम तक इस सत्र के चलने की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि किसान अधिकार रैली के बाद इनेलो भी आज इस सदन में हिस्सा लेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कुमार रमेश हमारे संवाददाता फोनलाइन पर चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। जी कुमार रमेश, तो क्या कुछ अपडेट है इस आज की कार्यवाही को लेकर? देखिए आज इंडियन नेशनल लोकदल अपनी किसान अधिकार रैली करने के बाद आज सत्र में शामिल होगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि आज विधानसभा का चौथा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पे थोड़ी सी चर्चा होने के बाद उनका धन्यवाद भी प्रस्ताव पास किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि प्रश्नकाल में काफी अहम मुद्दे भी उठाए जाएंगे। कहीं ना कहीं SYL के मुद्दे को लेकर के इनेलो आज फिर घेराबंदी करने की तैयारी में होगी, क्योंकि कल वो रैली करके आई और वो बताएगी किस तरह जनता उनके साथ है। और वहीं सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं रैली को विफल होने की बात सदन में जरूर कहेगी। तो इस प्रकार की चर्चाएं आज देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आज ये माना जा रहा है कि मिड डे मील वर्कर जो है आज सभी इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे पंचकुला में, तो ये सदन में भी बात उठाई जा सकती है इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के द्वारा। परंतु देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। जी बिल्कुल, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए कुछ खास विषयों की जिन्हें लेकर आज विपक्ष घेर सकता है सरकार को। देखिए कल किसानों का मुद्दा सदन में गूंजा है और आज जाहिर तौर पर सिंचाई का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा और किसानों के मुद्दे की गूंजने की हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा का मुद्दा जो है वो भी सदन में गूंजेगा। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे की कल शुरुआत की थी कुलदीप शर्मा ने, उन्होंने ही आज भी शायद ये मुद्दे को उठाएंगे और कहेंगे कि किस तरह तहसीलों में भ्रष्टाचार चल रहा है जिस पर कल सरकार ने उनकी बात को दबाने की कोशिश की। पर आज ये माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सदन में सत्ताधारी पार्टी के घर आ कर सकती है और आज हंगामा कर सकती है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को लेकर भी आज घेर सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए कुमार रमेश। तो चंडीगढ़ में आज विधानसभा की कार्यवाही का चौथा दिन रहेगा।